तो क्या गाइज आप लोग भी अपने फेस को स्मूथ करने के लिए परेशान हो गए? गाइज आप लोग का फेस स्मूथ नहीं होता होगा एंड साइड साइड ब्लैक ब्लैक आ जाता है अपने फेस के ऊपर। तो गाइज आप लोग को सही वीडियो पे क्लिक कर रहा है, आप लोग को इस टाइप की एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। एंड देख सकते हो ओरिजिनल फोटो कितनी बेकार तरीके से शो हो रही है गाइज। अभी फोटो में कोई भी एडिटिंग नहीं है एंड यहाँ पे फोटो देख सकते हो फुल HD हाई क्वालिटी स्मूथिंग मैंने करी है एंड यहाँ पे फोटो में HDR लुक भी दिया है। देख सकते हो हेयर पे काफ़ी अच्छा एडिटिंग हुआ है। तो गाइज आप लोग ये एडिटिंग करना चाहते हो, आप लोग को मैंने इस वाली वीडियो में पूरा इस टाइप की एडिटिंग सिखा दी है कैसे इस टाइप की एडिटिंग करी जाती है। तो गाइज वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना, आप लोग को इस टाइप की एडिटिंग आ जाएगी। एंड वीडियो को शुरू कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोग का। एंड गाइज अभी ओरिजिनल फोटो पे आ जाते हैं, देख सकते हो ओरिजिनल फोटो आ चुकी है हम लोग की। तैयार हो जाओ गाइज इस टाइप की एडिटिंग करने के लिए। एंड यहाँ पे सीधे से अभी आप लोग को स्नैपशीट ऐप में फोटो को शेयर कर लेना होगा एंड यहाँ पे आप लोग को फॉलो करना होगा मेरा स्टेप को एंड यहाँ पे ध्यान से देखना होगा। टूल आइकन पे क्लिक करने के बाद सिलेक्टिव का एक ऑप्शन मिलेगा, तो उसको यूज़ करना है। यहाँ पे आप लोग का जितना भी फेस ब्लैक है पहले उसको व्हाइट कर लो कुछ इस टाइप से। तो गाइज इतना करो पहले आप लोग यहाँ पे, उसके बाद आप लोग को मिलेगा फुल HD हाई क्वालिटी स्मूथिंग। एंड आप लोग यही करना भूल जाते हो गाइज, इसके बाद आप लोग का साइड साइड ब्लैक ब्लैक आ जाता होगा। तो गाइज आप लोग को साइड साइड जो जितना ब्लैक है उसको व्हाइट कर लेना कुछ इस टाइप से जैसे मैंने किया। तो गाइज उसके बाद टूल आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप लोग को टून इमेज पे आना होगा, एमिनेशन वाले ऑप्शन को कुछ इस टाइप से प्लस कर लेना होगा। इसके बाद गाइज यहाँ पे आप लोग को इसका सैचुरेशन प्लस कर लेना होगा एंड इसके बाद गाइज यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट मिलेगा, ब्राइटनेस मिलेगी, तो ब्राइटनेस को प्लस करना है एंड यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को भी प्लस करना है। तो गाइज कुछ इस टाइप से आप लोग को फोटो कर लेना होगा एंड यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एंड फॉलो करना होगा ध्यान से देख के। तो गाइज आप लोग को टूल आइकन पे फिर से क्लिक करना होगा एंड यहाँ पे आप लोग को HDR का एक यहाँ पे स्पेस मिलेगा। तो गाइज यहाँ पे आप लोग टूल आइकन पे क्लिक करने के बाद HDR पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे फिल्टर स्ट्रेंज को 11 कर देना एंड यहाँ पे ब्राइटनेस को 5 कर देना, फिल्टर स्ट्रेंज को कम कर देना 3%। यहाँ पे आप लोग को ब्राइटनेस को उतना ही रखना होगा एंड यहाँ पे फोटो देख सकते हो कुछ इस टाइप से शो होगी एंड फोटो में काफी ऑसम लुक आ जाएगा। उसके बाद डिटेल वाले ऑप्शन पे आना, इसका यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन प्लस कर लेना एंड यहाँ पे शार्पिंग को भी प्लस कर लेना कुछ इस टाइप से। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप से शो होगी फोटो एंड यहाँ पे फोटो में डिटेल आ चुकी होगी फुल HD हाई क्वालिटी। एंड देख सकते हो फोटो में काफ़ी ऑसम लुक हो चुका है, ब्लैक से व्हाइट कर दिया मैंने फोटो को एंड यहाँ पे फोटो में कोई भी क्वालिटी गिरी नहीं है। एंड फोटो कुछ इस टाइप से करने के बाद गाइस अभी आप लोग को फोटो को शेयर कर लेना होगा ऑटोडेस्क स्केचबुक में। तो गाइस वहाँ पे ध्यान से देखना क्योंकि अब मैं मेन ट्रिक बताने वाला हूँ एंड जहाँ से मैं स्मूथिंग करता हूँ हमेशा एंड यहाँ पे आप लोग को भी करना है। तो गाइस आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि आप लोग की जो वीडियो में एडिटिंग रहती है वही यहाँ पे फोटो में एडिटिंग करके मैं दिखाता हूँ। तो गाइस आप लोग ध्यान से देखते हो तो गाइस आप लोग स्मूथिंग सीख जाओगे फुल HD हाई क्वालिटी एंड यहाँ पे आप लोग का साइड साइड जो ब्लैक ब्लैक आता है वो नहीं आएगा। आज की वीडियो में आप लोग पूरा वीडियो वॉच करते हो तो मेरी, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैं टूल आइकन पे क्लिक कर चुका हूँ एंड आप लोग को भी क्लिक कर लेना होगा यहीं से। एंड गाइस अभी आप देख सकते हो मैंने ये वाला टूल बताया था नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस आज जो मैं बताने वाला टूल वो आप लोग को ऊपर मिलेगा एंड यहाँ पे आप लोग को दिखा देता हूँ कौन सा टूल है। तो गाइस आप लोग ऊपर क्लिक कर लेना एंड यहाँ पे ग्लो का एक ऑप्शन दिया तो इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप लोग को इसकी सेटिंग में बता देता हूँ कौन सी यहाँ पे आप लोग को मिलने वाली सेटिंग। तो गाइस अभी आप लोग को ये वाला टूल यूज़ करना होगा, इसके बाद सेटिंग इसकी ध्यान से देखना, ग्लो पे क्लिक करना है एंड स्मूथित करना फोटो को, मतलब फोटो की जो यहाँ पे स्ट्रेंज रहेगी उसको कम करना है, यहाँ पे फ्लो को भी कम करना, दोनों को कम करना है यहाँ पे 6 एंड यहाँ पे 8 रखना। 8 रखने के बाद गाइस अभी आप लोग को क्या करना होगा, फोटो को जूम करना होगा एंड यहाँ पे कुछ इस टाइप से स्मूथिंग स्टार्ट कर देना होगा। तो गाइस यहाँ पे मैं स्मूथिंग कर रहा हूँ, इसके आगे आप लोग को फुल HD क्वालिटी सेव कैसे किया जाता है तो लास्ट तक ज़रूर देखना आप ही लोग के लिए वीडियो, एंड वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा तो गाइस आप ही लोग का फायदा है, तो वीडियो को इन तक जरूर देखना। और गाइस वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रही थी इस वजह से मैंने फुल एडिटिंग दिखाई नहीं है। तो गाइस आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में सब मिल जाएगा, बट यहाँ पे आप लोग की जो स्मूथिंग थी मैंने वो पूरी करके दिखा दी है फुल HD हाई क्वालिटी। तो गाइस इसको ध्यान से देख के कुछ इस टाइप से फोटो को सेव कर लेना। एंड गाइस अभी आप लोग को ब्लैक टोन की एडिटिंग चाहिए एंड ग्रीन टोन की एडिटिंग चाहिए तो ऊपर क्लिक करके देख सकते हो ग्रीन टोन की एडिटिंग एंड नीचे क्लिक करके देख सकते हो ब्लैक टोन की एडिटिंग। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को पूरी एडिटिंग मिल जाएगी गाइस।